दूर किसी जंगल में बहुत सारे पशु पक्षियां रहा करते थे। उस जंगल का राजा एक चतुर सियार था, जो सब पर अपना राज करता था। एक दिन सुबह सुबह हरियाली पक्षी टूनी और चील के पास जाती है और दोनों को एक बात बोलती है। टूनी बहन, हमारे राजा के पास जाकर आने वाले बरसात के मौसम के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि बरसात के समय खाने पीने और रहने की परेशानी हो जाती है। सच में तुमने सोचने वाली बात की। कल मैं अकेले राजा के पास जाता हूँ और आने वाले मौसम को लेकर बात करता हूँ। दूसरे दिन सुबह के समय चील राजा सियार के पास जाता है। क्या बात है चील भाई, इतनी सुबह सुबह मेरे दरबार में क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि सुबह के समय आराम करता हूँ? तुम यहाँ आ ही गए हो तो बताओ क्या काम है? तब चील आने वाले मौसम के खतरों के बारे में बताता है। उसके बाद चील वहाँ से चला जाता है। चील ने तो अच्छी बात की, लेकिन मौसम की तैयारी करने के लिए तो बहुत मेहनत लगती है। अगर राजा होकर भी ये काम करो तो किस बात का राजा? चलो एक काम करता हूँ, मैं जंगल के सभी पक्षियों और जानवर को ये आदेश देता हूँ कि वो सब आने वाले मौसम की तैयारी कर ले। तभी वह अपना सेनापति गिद्ध को ये आदेश देता है। सेनापति, तुम जंगल जाकर सभी को इस बात की खबर करो कि कल सुबह सुबह राजा ने सबको बुलाया है। तभी सेनापति गिद्ध जंगल की ओर चला जाता है और माइक से ये ऐलान करता है। जंगल के वासियों सुनो, एक जरूरी सूचना ध्यान से सुनो। कल सुबह सुबह हमारे और तुम्हारे राजा ने सबों को बुलाया है, और हाँ, अगर तुम में से कोई नहीं पहुंचा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तभी गिद्ध ये ऐलान करने के बाद वहां से राजा के दरबार की ओर जाने लगता है। राजा के दरबार में पहुंचने के बाद राजा सियार गिद्ध से कहता है, सेनापति गिद्ध, क्या तुमने जंगल जाकर अच्छे से ऐलान किया? जी महाराज, और ये भी ऐलान किया कि जो भी नहीं पहुंचेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तुमने बहुत अच्छा किया। दूसरे दिन महाराज सियार के दरबार में सभी पक्षियां और जानवर जमा हो जाते हैं। तब महाराज सियार कहता है, जंगल के वासियों ध्यान से सुनो, आने वाला मौसम बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए तुम दूसरे जंगल जाओ और आने वाले मौसम की अच्छे से तैयारी करो ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। महाराज का ये आदेश सुनने के बाद सभी पक्षी वहां से जाने लगते हैं। सब पक्षी अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। टुनटुनी बेटी, हम सब पक्षियां आज जंगल की ओर भोजन लाने जा रहे हैं। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटी, और अगर तुमको कोई बुलाए तो मत जाना। ठीक है मम्मा, आप जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी। तभी तोता, टूनी, हरियाली पक्षी और कौवा जंगल की ओर जाने लगते हैं। सेनापति, आज मेरा मांस खाने का मन कर रहा है, क्या तुम कहीं से ला सकते हो? महाराज, अभी तो मांस मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, टूनी का एक बच्चा है, क्या आप उसको खाएंगे? अरे वाह, आज मौका भी है, जाओ और टूनी के बच्चे को उठा कर लाओ। तभी दुष्ट गिद्ध टूनी के घोंसले के पास चला जाता है और पहुंचने के बाद कहता है, गिद्ध अंकल, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मम्मा ने मना किया है और मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। गिद्ध फिर भी जबरदस्ती करके टुनटुनी को अपने पंखों में जकड़ लेता है और वहां से उड़ जाता है और महाराज के दरबार में पहुंच जाता है। अरे वाह सेनापति, सेनापति हो तो ऐसा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टुनटुनी चिल्लाते रह जाती है, फिर भी सियार उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे खा जाता है। इधर भोजन तलाश करने आई चिड़िया बहुत परेशान रहती है। तभी टूनी कहती है,
मेरा दिल तो घबरा रहा है, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा। तारी पक्षियां जब अपने अपने घर वापस आती है तो टूनी देखती है कि घोंसले में टुनटुनी नहीं है। कहाँ गए हो बेटा, तुमको कहीं जाने के लिए मैंने मना किया था ना, आखिर तुम कहाँ हो। तभी लाडो चिड़िया टूनी के पास आ जाती है और कहती है, क्या हुआ टूनी आंटी, आप टुनटुनी को ढूंढ रहे हैं? वह तो सेनापति गिर के साथ गई है। टूनी समझ जाती है कि सियार ने उसके बेटे को खा लिया है। टूनी तोता को बुलाती है और सारी बातें बताती है। हमें सियार के पास जाना होगा और उसका कुछ करना होगा। तभी वह दोनों दुष्ट सियार के पास चले जाते हैं और टूनी सियार को सारी बातें बताती है। तुम अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाई तो उसमें मेरी क्या गलती है? आग यहाँ से छोटी छोटी बात के लिए मेरे पास आ जाती है। टूनी समझ जाती है कि अगर सियार को कुछ भी कहा जाए तो वह मुझे भी खा जाएगा। टूनी और तोता शांत और निराश होकर वहां से जाने लगता है। फिर घर पहुंचकर तोता टूनी से कहता है, तुम ज्यादा चिंता ना करो टूनी बहन, क्योंकि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, एक ना एक दिन उसका भी अंत हो जाएगा। एक दिन सियार अपने सेनापति गिद्ध के साथ जंगल की ओर घूमने चला जाता है। घूमते घूमते उसको एक पक्षी का घोंसला नजर आता है। तभी सियार गिद्ध से कहता है, सेनापति ये किसका घोंसला है? घोंसला के पास जाओ और देखो कि उसका अंडा है या बच्चा। तभी गिद्ध घोंसले के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक बच्चा है। महाराज इसमें तो एक बच्चा है, क्या मैं इसे भी आपके पास लाऊं? अरे वाह, क्या खूब किस्मत पाई है रे। हाँ उसे जल्दी मेरे पास ले आओ। तभी गिद्ध उसको अपने पंजों में जकड़ कर सियार के पास ले जाता है और सियार उसको बड़े चाव से खा जाता है। इतने में उस बच्ची की माँ आ जाती है और वह सियार को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। मैं अपने महाराज शेर से सियार के बारे में शिकायत करूंगी। उसी वक्त वह पक्षी महाराज शेर के पास चली जाती है और महाराज को सारी बातें बताती है। फिर शेर महाराज सुनकर कहता है, उसकी ये हिम्मत कि मेरे जंगल में आकर मेरे ही पक्षी को खा जाए, वो कल फिर जरूर आएगा, तब मैं उसको मजा चखाऊंगा। दूसरे दिन जब सियार वहां से जा रहा होता है तभी शेर महाराज एक जोरदार हमला करता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है, क्या रे सियार, तुमने इस जंगल में आतंक मचा रखा है और तुमने सभी पक्षियों को परेशान करके रखा है। महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे भूल हुई है महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चुप कर दुष्ट, क्या तुमने पक्षियों के बच्चे को छोड़ा है? कमजोर पाकर तुमने उसे सताया है ना? फिर शेर उस दुष्ट सियार की बात नहीं सुनता है और उसे चीर कर खा जाता है। तो देखा ना दोस्तों, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। फ्रेंड्स, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत